प्यारे बच्चों, जैसे टू डायमेंशंस को आप एक्स एंड वाई टू एक्सिस से डिस्क्राइब कर सकते हो, इस पॉइंट के पोजीशन ओरिजिन से कितना एक्स के अलोंग चले और कितना वाई के अलोंग चले, इसके तहत कोऑर्डिनेट जिसे हम पोजीशन बोल सकते हैं डिसाइड कर ली जाती है। 2D प्लेन में किन्ही भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस d और ये पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 हों, तो दिस डिस्टेंस d इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड प्लस। इस प्लस की वजह से ही मैं इस वीडियो को दोबारा भेज रहा हूँ। पिछली वीडियो में बाय मिस्टेक ये हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया होगा, हो जाता है। एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। बाकी बस यहाँ पे माइनस आ गया था, पता नहीं भूल बस कैसे आ गया था, पर सुबह जो क्वेश्चन कराए थे बच्चों वो सब प्लस से ही कराए थे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इसको तो पकड़ लिया था कि वो एक्चुअली प्लस है, भूलवश हो गया होगा, और आपने क्वेश्चन भी अच्छे किए हैं। कुछ बच्चों ने तो मुझे करके भेजे भी हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, बहुत अच्छे बच्चे हैं 10th क्लास में, कुछ बच्चे जो बहुत ही जल्दी इस बात को कैच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हारे में से वो बच्चा भी जिसने सर एक्चुअली वहाँ प्लस आना चाहिए था, आपने माइनस कर दिया, फिर मैंने दोबारा देखा, तो बेटे उस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, जैसे स्माइलिंग फेस है इसी तरह आप भी खुश रहें। इसके बाद बच्चों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और उसमें क्वेश्चन नंबर 25 जो भी आपकी बुक में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए उसने पिक भी भेज दी है, तो मैं उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, किस किसी बुक में वो क्वेश्चन नंबर 55 है, तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्वायर दे रखा है और ऑपोजिट कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, बचे हुए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर निकालते हो तो डायगोनल आ जाएगा ना, अगर साइड ए हुई तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इससे मैं साइड का पता चल गया, देखो बाकी मैं पिक भेजूंगा उसके बाद, ए सी निकाल दिया हम डिस्टेंस फॉर्मूले से। साइड अगर ए हुई, इफ ए बी द साइड ऑफ स्क्वायर, जिन बच्चों को इसकी पिक नहीं मिलेगी वो इसको पॉज करके देख सकते हैं, तो हमने साइड निकाल ली। प्यारे बच्चों, जब साइड निकल गई, अब आपको इस पॉइंट से इतनी ही डिस्टेंस पे दूसरे दो पॉइंट चाहिए, ए से ए जो साइड निकली पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, जो इससे भी और इससे भी उतनी डिस्टेंस पे हों, ए डिस्टेंस पे, एक तो बी है और दूसरा डी, तो हमने एक्स वाई ए मान लिया इस पर्पज से कि एक्स वाई वो पॉइंट हुआ जो ए और सी से इक्विडिस्टेंट है और वो इक्विडिस्टेंट ए के इक्वल है, तो ऐसे दो पॉइंट सिर्फ बी और डी ही हो सकते हैं, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू निकली वो केवल और केवल बी और डी के लिए ही निकलेगी। तो हमने ए बी का स्क्वायर लिया, दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए लिया कि अंडरूट ना करना पड़े, अदरा ये पोर्शन अंडरूट में आता है ना, इक्वेशन बन गई। ऐसे जैसे ए बी ए स्क्वायर है ऐसे बी सी भी ए स्क्वायर ही होना चाहिए, दूसरी इक्वेशन उससे बन गई, डायग्राम भी देखते रहना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा मेरे बच्चों,
इक्वेशन वन में से टू को माइनस करके लीनियर इक्वेशन बन गई, उस हमने वाई की वैल्यू निकाल दी। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन या टू में मुझे प्रूफ वो पुट करनी है, तो इक्वेशन वन कुछ आसान से दिखाई दे रही है, तो इसको मैं इक्वेशन वन में पुट करने जा रहा हूँ। ये इक्वेशन वन में पुट कर दिए, y की वैल्यू वन माइनस टू एक्स अपॉन फाइव। और प्यारे बच्चों सॉल्व करा, एलसीएम 25 आया, इंटू कर दी 25 से, सॉल्व करते करते प्यारे बच्चों ये दो वैल्यू आ गई। प्यारे बच्चों 8 जो एक्स कोऑर्डिनेट आया, ये अगर पॉइंट बी के लिए है तो डी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू होगा, और डी के लिए अगर 8 होगा तो बी के लिए होगा, और तो कोई तीसरा पॉइंट ही नहीं है जो 2D में ए और सी से ए डिस्टेंस पर हो। तो y की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस टू एक्स अपॉन फाइव। एक्स की वैल्यू जब 8 रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ गई माइनस थ्री, और जब x वैल्यू माइनस टू रखी तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 आ गई। यानी कि x की वैल्यू अगर 8 हुई तो y की वैल्यू होगी माइनस थ्री, तो एक पॉइंट हो जाएगा 8 कॉमा माइनस थ्री, और x की वैल्यू माइनस टू हुई तो माइनस टू रख के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू माइनस टू हुई तो कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू वन आई, माइनस टू तो वन। इनमें से एक पॉइंट है 8 कॉमा माइनस थ्री, दूसरा है माइनस टू कॉमा वन। अगर प्यारे बच्चों ये बी है तो वो डी होगा, और ये डी है तो वो बी होगा। अब हमें ए बी सी डी तो माननी ही नहीं, तो हमने अपनी मर्जी से माना था, यानी कि बचे हुए दो वर्टिसेस में से एक ये है और एक ये है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और कंटिन्यूअस क्वेश्चन करते रहो बच्चों, और जो भी दिक्कत आती हो वार्ड मेरे व्हाट्सएप नंबर डालते रहे, मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप में डालता रहूंगा। ठीक है बच्चों, ओके।